हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज चैप्टर एडमिशन पार्टनर चल रहा है बेटा, और एडमिशन ऑफ पार्टनर का रेशियो बेस्ड ऑन एडमिशन है, रेशियो बेस्ड ऑन एडमिशन है। और इस टॉपिक का ये चौथा क्वेश्चन है बेटा, है ना। एडमिशन पार्टनर का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक वो मैंने फर्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, डिटेल बता दिया, ठीक है बेटा। आज हम सिर्फ डाटा क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन ये पार्ट फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग इन दी रेशियो 5:3। रेशियो क्या होता है, 5:3 है, 5:3 रेशियो है, राइट। ये क्या आपका ओल्ड रेशियो है, ये क्या आपका ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड सी विथ 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, ठीक है बेटा। जो सी पार्टनर है उसके रेशियो 1/5 है, विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम बोथ। जो सी का 1/5 है उसका हाफ आप ए और बी से ले रहे हैं बेटा, कैलकुलेट की रेशियो एंड से पैसिव रेशियो, ठीक है बेटा। तो देखिए कैसे निकालना है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे साफ साफ बोला कि जो सी का रेशियो है उसका आधा ए दे रहा है और उस फिर उसका आधा बी दे रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, ए से पैसिव रेशियो निकालिए, ए से पैसिव रेशियो ए से पैसिव रेशियो एक से पैसिव रेशियो। देखिए जब इस पर्सन इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा बेटा कि ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये या इतना दे रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। नहीं, एक से पैसिव रेशियो क्यों निकालूंगा, सॉरी हाँ निकाल देंगे ऐसे पैसिव रेशियो। देखिए तो और रेशियो कितनी है बेटा, इसका सी का रेशियो कितनी है, 1/5 है, ठीक है। इसका हाफ ए दे रहा है, इसका हाफ ए दे रहा है, तो कितना हो गया 1/10। 1/10 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कर रहा है बेटा, ए कर रहा है। उसके बाद बी का देखिए, बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/5, दो पार्टनर है तो हाफ हाफ हो जाएगा, जब इक्वल बोलेगा तो तीन होगा, तो 1/3 हो जाएगा, तो वन ये आपका क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना गया, 1:1, क्लियर है। आप आ जाइए न्यू रेशियो, तो कैसे आएगा, एज न्यू रेशियो, जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में कितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसको लेस कर दीजिए, राइट है। ओल्ड रेशियो कितनी इसकी, 5:3 मतलब 5/8 है, -1/10 है, इसके एलसीएम ले लीजिए बेटा। यहाँ पे कभी दिखा रहा हूँ एलसीएम, 8 और 10 का एलसीएम जब लेंगे तो 2 से करूंगा 4, 5, 4, ये 40 हो गया, ये कितना हो गया बेटा 40, राइट है। तो 40 को 8 से डिवाइड करूँ 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना देगा 25 -4, ठीक है, ये हो गया 21/40, ये का न्यू रेशियो आ गया, राइट। अब आ रही है बीच का न्यू रेशियो, बीच न्यू रेशियो कितना है, 3/8 -1/10। जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना देगा 40 को से डिवाइड कीजिए, 40 को से डिवाइड कीजिए 5, और 5 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 15 माइनस 40 को 10 से डिवाइड कीजिए 4, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, तो इसका कितना है बेटा 11/40। फिर आप देखिए सी रेशियो, सी रेशियो कितनी है 1/5, इसको क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे तभी आप लिख सकते हैं रेशियो आराम से, ठीक है। तो देखिए 40 मिलाना है तो 8/8 कर देता हूँ, 8/8 करने से क्या होगा बेटा,
आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, अल्टीमेटली रिजल्ट को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एट डिवाइड बाई टीचर टू क्या हो गया, वन हो गया। और वन को किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सेम आएगा, इसलिए लेकिन हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 8/40। अब देखिए आपने कैलकुलेशन सही किया या गलत, जो रेशियो निकाला सही या गलत है, आप इसको कैसे समझेंगे, तो जितना भी न्यूमरेटर है न्यूमरेटर उस सारे न्यूमरेटर को जोड़ दीजिए और डिनोमिनेटर के बराबर होनी चाहिए। देखिए 21 + 11 कितना हो गया 32, 32 + 8 कितना हो गया 40, 40 / 40 कितना हो गया 1। सारे रेशियो की यदि हम मिला देते हैं तो कितना आता है 1 आता है, तो इसका मतलब जो रेशियो आपने निकाला वो क्या है, सही है। हैंस न्यू रेशियो इज, हैंस न्यू रेशियो रेशियो इज 21:11:18 न्यू रेशियो हो गया। और सरफेसिंग रेशियो का देखिए बेटा, इसमें डिनोमेटर क्या इक्वल है, डिनोमेटर क्या इक्वल है, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपका क्या हो गया सरफेसिंग रेशियो हो गया। देखिए हैंस सरफेसिंग रेशियो, हैंस सैक्रिफाइसिंग, हैंस सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो 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 इज 1:1, ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, अभी मैं रेशियो से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन करूंगा, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो करूंगा, मतलब हर टॉपिक को काफी डिटेल करूंगा। आप जब भी आप इसको फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, नोट नीड टू एनी वे, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में किया हुआ है। पहले चैप्टर लेता हूँ, फिर चैप्टर से एक एक टॉपिक लेता हूँ, फिर उस टॉपिक से बेटा काफी सारे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। ठीक है, एक बुक को फॉलो कीजिए और कहीं जाने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, एक्सेप्ट थ्योरी, थ्योरी तो मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, जब भी चांस मिलेगा तो मैं सोचूंगा अभी थ्योरी देना है नहीं देना है, पर न्यूमेरिकल तो बहुत अच्छा से करा दूंगा। है बेटा, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, और यदि आपको और कुछ चाहिए तो आप यहाँ नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल नंबर है, व्हाट्सएप, ठीक है, जो आप कंफर्टेबल फील करता है वो कर लीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो। और कोई भी वीडियो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास इसके नोटिफिकेशन आसानी से जा सके। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।